हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपी टीचर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ईवीएस पैडागोजी का 30 क्वेश्चन का एक जबरदस्त सेशन लगाएंगे जो कि सीटेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें जिसको आपको आगामी वीडियो मिलती रहेंगी। और ये वीडियो उन दोस्तों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा जो कि सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कांसा ब्रोंश दो धातुओं का मिश्रण है, ये दो धातुएं हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कांसा जो है दो धातुओं का मिश्रण है, वो धातु कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है तावा और जस्ता जिंक, सेकंड है तावा और टिन, थर्ड है तावा और लोहा आयरन, फोर्थ है एल्युमिनियम और टिन। तो ब्रोंश जो धातु है हमारी, जो दो धातुओं से मिलकर बनती है, वो हो जाएगी हमारी तावा और टिन से। किससे बन जाएगी हमारा? तावा और टिन से, जो कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ साथ में। निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके या ढंग दिए गए हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वह कौन सा समूह है जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है उबाल कर, गूंथ कर, भून कर, सेकेंड है सेक कर, उबाल कर, बेल कर, थर्ड है तल कर, भिगो कर, भून कर, फोर्थ है सेक कर, तल कर और भून कर। अगर हम खाना बनाने के तरीकों की बात करें तो जैसे कि हम हमारे घरों में हम जो खाना बनाते हैं वो सेक कर बनाते हैं और तल कर बनाते हैं और भून कर बनाते हैं। देखा होगा हम जैसे रोटियां वगैरह बनाते हैं वो सेक कर बनाते हैं। अगर तलने की बात करें जैसे पूड़ियाँ वगैरह तलते हैं और भी चीज़ें हम तलते हैं, जैसे कि भून कर बात करें जैसे आलू को हम भून लेते हैं या फिर जैसे कि बैंगन का भरता बनाते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें हम भून कर बनाते हैं। तो हम तीन टाइप से खाना बना सकते हैं, जो कि आंसर इज द करेक्ट हो गया हमारा फोर्थ वाला। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन चुनिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चॉइस करना है हमें। फर्स्ट ऑप्शन है यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। सेकेंड है यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। थर्ड है यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। फोर्थ है यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, अगर हम बात करें जो माउंट एवरेस्ट जो भाग है वो किसका है, नेपाल का भाग है और इसकी जो ऊंचाई है वो 8,900 मीटर है। तो हमारा इस द करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुना होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो राजस्थानी जो ओक का एक पेड़ है जो उसकी जड़ें इतनी गहराई तक जाती हैं जब तक उसे पानी ना मिल जाए। क्या ना मिल जाए? पानी ना मिल जाए। और पेड़ के लगभग 30 गुना तक हो जाती हैं। तो ये पेड़ कहाँ पर पाया जाता है? तो अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो ये पेड़ हमारा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ये राजस्थान मत लगा दे रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया में पेड़ पाया जाता है। राजस्थान में दूसरा पेड़ आता है जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे, बात करेंगे इस पर, चर्चा करते हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ ही साथ में। कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 8:15 स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 नगर कोयल स्टेशन पर पहुंच जाती है। तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2649 किलोमीटर है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल या घंटा में लगभग है। तो ये क्वेश्चन जो मैथ का क्वेश्चन बताया गया है, तो इसे हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका थोड़ा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, आप लोग एक बार चेक करके देखना। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वाला, जो कि 56 इज द सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है जनवरी से मार्च, सेकंड है अप्रैल से जून, थर्ड है जुलाई से सितंबर, फोर्थ है अक्टूबर से दिसंबर। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बिहार राज्य के लोग हैं उनके लिए मधुमक्खी पालन अवधि जो बेस्ट होती है वो कब होती है? तो जो आंसर हो जाएगा हमारा इज द करेक्ट हो जाएगा फोर्थ वाला, अक्टूबर द दिसंबर से इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, एडजस्ट करते हैं, चलो दिखाई दे रहा सबको। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। खेजड़ी वृक्ष के बारे में देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है, कथन है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। सेकेंड है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड है, यह छायादार बच्चे, इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। फोर्थ है, यह अपने तने जल एकत्रित करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन, जैसे कि ये कथन दिए गए, बाकी इसमें ऑप्शन दिए गए। अगर हम खेजड़ी जल के बारे में बात करते हैं, तो हमारा जो खेजड़ी जल होगा, देखा जाए कि क्या ये मुख्यतः क्या रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। जो खेजड़ी क्या एक वृक्ष होता है जो कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। अगर हम दूसरे की बात करें, तो दूसरा हो जाएगा हमारा कि इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये रेगिस्तान में आराम से फल फूल सकता है, तो इसे ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम थर्ड में दे रहे हैं, देखा जाए कि यह छायादार वृक्ष होता है और इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं, तो इसका हमारे ये तीनों कथन करेक्ट हो जाएंगे। इसमें दिया गया कि यह तने, यह अपने तने में जल एकत्रित करता है और लोग उसे जल पाइप डालकर पीते हैं, तो इसे हमारा फोर्थ वाला इसका करेक्ट नहीं होगा। तो तीनों कथन होते हैं, तो तीनों कथन किस में दिए हैं, हमारे फर्स्ट वाले में दिए गए। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अभी जो क्वेश्चन आया था ओक का, वो ऑस्ट्रेलिया में पाया था और खेजड़ी वृक्ष पाया था जो कि राजस्थान में पाया था। हम तो ये बता देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट अगर क्वेश्चन में राजस्थान पूछ लिया जाए या राजस्थान पूछ लिया जाए, तो हमारा जो खेजड़ी वृक्ष पाया था वो राजस्थान में पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में, अगर क्वेश्चन में कोई फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि हम आपका डाउट नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर सकें। तो क्वेश्चन देखते हैं, हाथियों के विषय में नीचे दिए कौन सा कथन सही है। हाथियों के विषय में कथन दिया गया है, तो उस कथन को पढ़ते हैं एक बार। फर्स्ट ऑप्शन, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। सेकंड है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। थर्ड है, भैंस हाथी 1 दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है। फोर्थ है, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है। तो इसमें से सही कथन हमको चॉइस करना है। 3 कथन इसमें नेगेटिव में दिए हैं, तो हमारा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, क्योंकि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन जो होता है लगभग 2 क्विंटल के आसपास होता है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में, दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगामी वीडियो मिलती रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक पैराग्राफ दिया गया जिसे छात्र, गांव के एक छात्र ने से लिखा है। मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट 3 से या 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खम्भों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं, यह गांव होना चाहिए। तो जैसे क्वेश्चन बोला गया है कि एक बच्चा बता रहा है कि मैं अपने गांव से आया हूं और गांव में जो हमारे में अत्यधिक वर्षा होती है और जो हमारे घर होते हैं वो 10 से 12 फुट या बोल सकते हैं 3 से लेकर 3.5 मीटर ऊंचे होते हैं और जो अंदर से भी जो बांस बने होते हैं वो लकड़ी के, सॉरी, जो घर बने होते हैं वो लकड़ी से बने होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया, यह गाँव कहाँ पड़ता है? तो ये गांव अत्यधिक वर्षा कहाँ पर होती है? आसाम में होती है। तो गांव कहाँ पड़ेगा? आसाम में पड़ेगा। और जहाँ पे देखा जाए, अगर बांस के घर जो बनाए होते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं? आसाम में बनाए जाते हैं। तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, तो हमारा आसाम में घर बनते हैं और मजबूत बांस के होते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ ही साथ में। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। फर्स्ट ऑप्शन है, 4 बिंदुओं पर। सेकेंड है, 6 बिंदुओं पर। थर्ड है, 8 बिंदुओं पर। फोर्थ है, 10 बिंदुओं पर। अगर हम ब्रेल लिपि की बात करें, जो ब्रेल लिपि जो होती है वो ब्लाइंड लाइन चाइल्ड के लिए होती है, जैसे कि बोलते हैं अंधे बच्चों के लिए होती है, जो बच्चे देख नहीं पाते हैं उन बच्चों के लिए एक लिपि होती है ब्रेल लिपि। उस पर क्या होता है कि वो मोटे कागज पर बनी हुई उभरे हुए अक्षर होते हैं और बच्चे उन्हें टच करते हुए पढ़ते हुए चले जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि वो बिंदु कितने आधारित होती है, कितने बिंदुओं पर वो आधारित होती है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ ही साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा या कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। क्वेश्चन बोला गया पक्षी में कौन सा काफी हद तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है मैना, सेकंड है उल्लू, थर्ड है कौवा, फोर्थ है कोयला, सॉरी कोयल, कोयला नहीं कोयल, मिस्टेक हो गया। तो क्वेश्चन में जैसे कि हम कौन सा पक्षी है इनमें से जो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, तो आप लोगों ने देखा होगा ऐसा कौन कर सकता है, उल्लू काफी गर्दन तक घुमा लेता है। कभी भी देखा होगा बच्चे जब क्लास में बैठे हो पीछे मुड़कर देखते हैं तो जैसे उल्लू की तरह देख रहा है, ये आपको उदाहरण दिया गया है, इससे आप समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में। हमारे देश के नीचे दिए गए भाग में खाने की चीजें जैसे टैपरुका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें उनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हमारे देश में नीचे दिए गए भाग में खाने की चीजें जैसे टैपरुका और नारियल, टैपरुका और नारियल अपने घरों में लोग उगा लेते हैं आंगन में और इसे खाना स्वादिष्ट होता है या बहुत अच्छा लगता है, तो वो कहाँ पर है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सेकंड है आसाम, थर्ड है गोवा, फोर्थ है केरल। तो देखो हम जैसे कि बात करें, अगर हम लॉजिकली हम क्वेश्चन में देखा जाए कि हम आसाम में क्या पाया जाता है, जैसे क्वेश्चन पढ़ा जाए तो आसाम में बम्बू या बांस पाए जाते हैं, तो हमारा इस ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, इस वाले को हटा देते हैं। अगर हम बात करते हैं केरल और आंध्र प्रदेश और गोवा की, तो ये हमारे ऑप्शन बचते हैं। अगर हम इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में भी नारियल के पेड़ नहीं पाए जाते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या अट जाएगा। तो हमारे ऑप्शन बचते हैं हमारे पास में, दो बचेंगे गोवा और केरल। तो केरल और गोवा में ही नारियल के पेड़ उगाए जाते हैं, तो हमारे यहाँ पे इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, कहाँ के जो टैपियोका जो और नारियल के जो पेड़ उगा लिए जाते हैं और स्वादिष्ट जो खाना बनता है वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो कहाँ पर उगाए जाते हैं, वो केरल में उगाए जाते हैं। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जरूर खाने का सुझाव देता है, यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए। तो जैसे कि क्वेश्चन बोला गया कि एक डॉक्टर है एक मरीज को खाने के लिए दवाई दे रहा है और उसमें साथ ही साथ बोल रहा है कि उसे गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां खानी है, तो वो मरीज किस बीमारी से ग्रसित है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो फर्स्ट ऑप्शन बुखार, सेकंड है म्यादी बुखार, थर्ड है मलेरिया और फोर्थ है एनीमिया। तो इस प्रकार की जो बीमारी हो जाती है वो किस में हो जाती है, एनीमिया में हम बताते हैं क्योंकि इसमें ब्लड की कमी हो जाती है और इस प्रकार की चीज़ें बताते रहे, जैसे आयरन की भी कमी हो जाती है इसमें, तो आयरन सबसे ज़्यादा मिलता है वो इन्हीं चीज़ों से मिलता है। तो हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा हमारा इज द फोर्थ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुछ पक्षी हमारी तुलना में चार गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, ये पक्षी हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कुछ पक्षी ऐसे होते हैं कि हमारी तुलना में चार गुना अधिक देख सकते हैं, तो कौन से पक्षी हैं। तो फर्स्ट है कौवा, चील, बगुला सॉरी बुलबुल, सेकंड है बाज, कबूतर, तोता, थर्ड है चीज, बाज, गिद्ध, पक्था, कौवा, मोर, जैसे फोर्थ में दिया गया। तो जैसे हम चीज की बात करें तो चीज जो दिया गया वो चीज नहीं है, वो चील है, कोई खाने की चीज नहीं है, इसमें मिसप्रिंट हो गया, ये चील है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा चील, बाज और गिद्ध। यही ऐसे एक पक्षी हैं जो काफी ऊंचाई से आराम से अपने शिकार को देख लेते हैं और उस पर काफी स्पीड से चपट कर पड़ते हैं और शिकार को ले जाते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः किस स्थिति में है दिल्ली के। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानचित्र के अकॉर्डिंग, भारत के मानचित्र के अकॉर्डिंग दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश है और उसकी राजधानी शिमला है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, तो क्रमशः स्थिति है दिल्ली के, तो दिल्ली के बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम, सेकंड हो जाएगा दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में, थर्ड हो जाएगा उत्तर और दक्षिण में, फोर्थ हो जाएगा दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में। देखो जैसे कि हम इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो पहले हम डायरेक्शन का थोड़ा सा ध्यान देते हैं।
अगर हम डायरेक्शन को थोड़ा हमें पता है तो हम आराम से इस प्रकार के क्वेश्चन को आराम से निकाल ले जाएंगे। थोड़ा हमें मैप के बारे में भी पता होना चाहिए। वैसे अगर आप एक बार वो मैप को हमें चेक कर लेना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से हमारा हर बार क्वेश्चन पुटअप होता है, एक बार हमें मैप को जरूर देखना चाहिए ध्यान से। तो सभी लोग एक बार मैप को देखेंगे और एक बार इसका अध्ययन करेंगे, तो जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आए राजधानी से संबंधित आए या उसके आसपास के स्टेट पूछे जाते हैं इस प्रकार से संबंधित आए, तो हम आराम से सॉल्व कर सकें। तो इसमें थोड़ा सा डायरेक्शन का दिशाओं का भी दिया गया, हमें थोड़ा सा इसके डायरेक्शन को भी देखना चाहिए। तो जैसे देखा जाए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा वो हमारा थर्ड वाला हो जाएगा, उत्तर और दक्षिण में। कैसे हो जाएगा, देखो अगर हम जैसे हम बात करते हैं ऐसे करके, ये हमारा बन जाता है भारत का नक्शा। तो यहाँ पे जैसे एरो बना हुआ, ये हमारा पूर्व है, पूर्व, तो यहाँ पूर्व पश्चिम और उत्तर और दक्षिण, जैसे कि यहाँ पे हो गया। अब दिल्ली कहाँ पे, यहाँ पे दिल्ली हो जाएगी, ठीक है। अब शिमला कहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। अब भोपाल कहाँ पे, मध्य में, यहाँ पे ये हमारा पूरा सेंट्रल बना हुआ है, तो भोपाल हमारे यहाँ पे है देखा जाए तो, यहाँ पे भोपाल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी उसकी राजधानी हो जाएगी। तो उत्तर और दक्षिण में दिल्ली के सापेक्ष की बात कर रहा है, तो दिल्ली की हम बात करेंगे तो उत्तर की तरफ तो शिमला हो जाएगा जो कि हिमाचल प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के दक्षिण में हो जाएगा जो कि भोपाल साइड में, भोपाल उसकी राजधानी है, जिससे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में। ईवीएस संक्षेपण अर्थ उपयुक्त होता है, यहाँ पे ईवीएस का अर्थ पूछ लिया गया है, शॉर्ट फॉर्म दे दी ईवीएस की और उसका अर्थ पूछ लिया गया है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं इसका, इन्वायरमेंटल स्किल्स फर्स्ट है, सेकंड है इन्वायरमेंटल साइंस, थर्ड है इन्वायरमेंटल सोर्सेज, फोर्थ है इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो ईवीएस हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं और इसका सेशन भी हम लगा रहे हैं, तो ईवीएस का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, उसका उत्तर क्या होगा, या बोला जाए उसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा इन्वायरमेंटल स्टडीज, तुम्हारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो देखो सीटेट में बहुत करता है ये क्वेश्चन क्या है, नेगेटिव में पूछा गया है, तो हमें आंसर भी नेगेटिव में देना है, और इसके तीन ऑप्शन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर दुनिया के साथ जोड़ना। सेकंड है शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। थर्ड है बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। फोर्थ है बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए आवश्यक अभिप्रेरित करना चाहिए। देखो हमें क्वेश्चन दिया है नेगेटिव में, तो जैसे कि हम बात करें यहाँ कक्षा कक्ष में अधिगम को विद्यालय से बाहर जोड़ना, यह एनसीएफ हमारा कहता है, तो इसी हमारा आंसर इसमें पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, हमें आंसर छाटना है नेगेटिव में। अगर हम थर्ड वाले में बात करें प्रश्न पूछने के लिए क्या है, बच्चों को अभिप्रेरित करना, ये भी हमारा पॉजिटिव में, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमें आंसर छटना है इसमें नेगेटिव में। ये चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होगी। अगर हम बात करें बच्चों को निकटतम परिवेश से जोड़ना चाहिए, तो ये अभिप्रेरित करना चाहिए, ये भी हमारा आंसर क्या है पॉजिटिव में दिया है, तो ये भी हमारा क्या आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन का कोई आंसर दे रहा है नेगेटिव में। तो यहाँ पे क्या शिक्षक कक्षा कक्ष में क्या है कड़े कानून अनुशासित करें, ऐसा हमें नहीं करना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा नेगेटिव में, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ ही साथ में, इतनी मेहनत के बाद लाइक तो बनता है। आंचल अपनी कक्षा फिफ्थ में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछती है, उसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न करने का उद्देश्य सुधार करना है। तो एक टीचर है आंचल जो कि फोर्थ क्लास में एनवायरमेंटल स्टडी पढ़ाती है, एनवायरमेंटल अध्ययन करने में, तो क्या अक्सर बच्चों से क्या करती है गहन जांच पड़ताल की और कल्पना परक के क्वेश्चन पूछती है, तो इससे वो क्या करना चाह रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अवलोकन कौशल में, सेकंड है संवेगात्मक कौशल में, थर्ड है चिंतन कौशल में, और फोर्थ है बोलने संबंधी कौशल में। देखो हम गहन जांच पड़ताल वाले की बात करते हैं या कल्पना परक के बारे में बात करते हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन पुटअप होता है चिंतन कौशल की तरफ हमारा ये आंसर जाएगा, तो आंसर हो जाएगा थर्ड वाला चिंतन कौशल, तो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ ही साथ में, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है एडजस्ट करेंगे, इसमें कथन दिए पर कथन पढ़ते हैं। कक्षा थर्ड के विद्यार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलनी नीचे दिए गए पद्धतियों का प्रयोग करती है। कक्षा थर्ड की क्लास है जो कि विद्यार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है और एक टीचर है नलनी, तो वो नीचे दी गई पद्धतियों का प्रयोग कर रही है। ये पद्धतियाँ हैं, पद्धति देख लेते हैं। फर्स्ट है पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, सेकंड है विभिन्न पक्षियों की तस्वीरें चार्ट
तस्वीरों वाले चार्ट प्रयोग का करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना। थर्ड है विद्यार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नलिनी निम्न में से किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है? तो इस प्रकार के तीन कथन दिए गए। तो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अपनी पाठ योजना का पालन करना। सेकंड है बहुबुद्धि वाले विद्यार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। थर्ड है दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना। फोर्थ है विद्यार्थियों को तर्क शक्ति का विकास करना। तो इस प्रकार की जो क्रियाकलाप जो की जा रही है, अगर देखा जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो क्रियाकलाप जो किया जा रहा है वो क्या किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वाला कि बहुबुद्धि वाले विद्यार्थियों की विभिन्न आवश्यकता को पूरा करना। क्योंकि यहाँ पर क्या है, उसकी कक्षा में विभिन्न प्रकार के या बहुबुद्धि वाले बच्चे हैं, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता अलग अलग डिफरेंट टाइप से होती है। तो उसी को ध्यान में रखकर यहाँ पे क्रियाकलाप कराया जाए। जैसे कि पहले में कराया गया है कि पक्षियों को क्या वृत्तचित्र दिखाना और चार्ट तस्वीरों वाले चार्ट पेपर का प्रयोग करना और उसका वर्णन करना। फिर उसमें दिखाया गया कि उसमें नजदीक के पार्क में ले जाना और उसके ध्यान से देखने के लिए कहना। तो यहाँ पे क्या है, प्रत्येक बच्चे को अपनी योग्यता के अनुसार सीखने के लिए मिल रहा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट वाला इज द सेकंड, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थी को विभिन्न आवश्यकता को पूरा करना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को साथ ही साथ लाइक एंड शेयर करते रहें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगामी वीडियो प्राप्त होती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेल जो हमें खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। सेकंड है विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। थर्ड है शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। फोर्थ है शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधित कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना बनाने के लिए कहना। जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि खेल जो खेल है हम खेलते हैं, टॉपिक दिया है शिक्षार्थियों शिक्षार्थियों को अधिकतम भागीदारी के लिए हमें क्या करना होगा, उनमें से कौन सी युक्ति प्रभावित होगी, तो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जो क्वेश्चन जो हमारा आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। क्योंकि बच्चे क्या है उसमें खेल खेल रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं। जब खेल खेलेंगे तो उसके बारे में पता चलेगा, बच्चों को उसके रूल्स रेगुलेशन के बारे में पता चलेगा और अभ्यास भी एक तरह से होगा और बच्चों से क्या एक तरह से सीखने के लिए भी मिलेगा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि कार्ड बनवा रहा है सेकंड के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें बच्चे क्या इन्वॉल्व नहीं हो रहे। अगर इसमें थर्ड बारे में दिखाई तो भीतर बाहर के खेलों को विभिन्न नाम की याद करवा रहा है, रटन प्रणाली करवा रहा है, और फोर्थ वाले में टेलीविजन की बात की जा रही है, जो कि इसमें पॉजिटिव आंसर नहीं होगा। फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं खुद सेल्फ, तो यहाँ पे इज द फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में। निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? यह भी क्वेश्चन क्या है नेगेटिव में पूछा गया। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। सेकंड है दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना। थर्ड है दिए गए प्रयोगात्मक रूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना। फोर्थ है जल प्रदूषण की हानियों के विषय में चर्चा करना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नहीं में पूछा जा रहा है, किसमें पूछा जा रहा है नहीं में, क्योंकि पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। तो फर्स्ट का कौन दिखाया, तो आंसर इसका हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि पाठ में दिए गए महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा का व्याख्यान करना, तो यहाँ पर डेफिनेशन पर जोर दिया रहा है। तो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। बाकी के तो चेक करते हैं, दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को प्रयोग करना, अपने अवलोकन दर्ज करना, यहाँ पे क्या है सेकंड वाला प्रयोगात्मक क्रियाकलाप करा रहा है, तो ये हमारा पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। मगर हमें आंसर देना है नेगेटिव में, तो ये भी हमारा पॉजिटिव में जाएगा। प्रयोगात्मक रूपक ये भी हमारा पॉजिटिव में दिया गया, और जल प्रदूषण हानि चर्चा करना ये भी हमारा पॉजिटिव में दिया गया। तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर देना होगा वो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगामी वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा फोर्थ के विद्यार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है, यह मैं विद्यार्थियों की मदद करेगा।
जीव जंतुओं की आधारित एक पाठ आधारित प्राणी के बाद में क्या शीतल एक टीचर है जो कि फोर्थ क्लास के बच्चों के लिए एक चिड़ियाघर में जाने का भ्रमण का एक प्लान बनाती है, तो क्या मदद करेगा ये? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीव जंतु संरक्षण के कौशल को विकास के, सेकंड है दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव, थर्ड है कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना, फोर्थ हो जाएगा जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशीलता का विकसित करना। तो देखो यहाँ पर जो NCF का जो अकॉर्डिंग जो हमारा जो रूल फॉलो करता है वो हमारा फोर्थ वाला, क्योंकि कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ना ही हमारा उद्देश्य होता है, जो कि प्राथमिक लेवल हमारा NCF इंक्लूड करता है या जोड़ता है, यही हमारा NCF कहता है। तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते रहे। शालिनी कक्षा फिफ्थ के विद्यार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है उन्हें, एक टीचर है शालिनी फिफ्थ क्लास की जो अपने विद्यार्थियों को पोषण टॉपिक पर एक परिचित कराना चाहती है, तो वो क्या करे उन्हें? फर्स्ट अपने श्याम पट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए, सेकंड है पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए, थर्ड है विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए, फोर्थ है विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, तो जैसे कि भोजन के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पर जो इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला, क्योंकि यहाँ इससे क्या बच्चे ज़्यादा अच्छे तरह से सीख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो अपने टिफिन खोलेंगे और टिफिन बॉक्स में अनेक प्रकार के बच्चे हर एक बच्चा प्रत्येक अलग अलग खाना खाता है, तो अलग प्रकार का खाना लेके आएगा और उसी के अकॉर्डिंग क्या है क्लास में एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाएगा या एनवायरमेंट क्रिएट हो जाएगा कि बच्चों को प्रत्येक बच्चे के भोजन के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो पाएगा और बच्चों को भोजन के बारे में पता चल पाएगा कि कौन सा भोजन पौष्टिक होता है और कौन सा भोजन हमारे लिए हानिकारक होता है। तो हमारा सबसे बेस्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों सही क्रम में नहीं है का अनुपालन करें, तो निम्न चरण दिए गए उनका अनुपालन करना है रश्मि को, तो किस प्रकार से करना होगा? जैसे कि फर्स्ट में दिया गया है, सॉरी थोड़ा सा दिक्कत हो गई, थोड़ा चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक हो गया। जैसे कि दिया गया है फर्स्ट है प्रश्न लिखना, सेकंड है रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, थर्ड है प्रश्न पत्र का संपादन करना, फोर्थ है ब्लूप्रिंट तैयार करना, अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम कौन सा है? तो जैसे कि एक टीचर है उसे क्या है यह बताया गया कि प्रश्न पत्र किस प्रकार से बनाने हैं, और जो कि सही क्रम में जो डिजाइन जो तुम्हारा नहीं दिया गया है हमारा जिसमें दिया गया है तो वो हमें सही क्रम में लगाना होगा। तो पहले हम क्या तैयार करेंगे उसके बाद में फिर क्या तैयार करेंगे ये प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तुम्हारा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। क्यों जाएगा फर्स्ट वाला? क्योंकि यहाँ पर हम सबसे पहले रूपरेखा डिजाइन तैयार करते हैं कि पेपर किस प्रकार का होना चाहिए। जब तक हम रूपरेखा नहीं बनाएंगे ना तब तक हम पेपर स्टार्ट ही नहीं कर सकते। पहले हम रूपरेखा तैयार करते हैं कि हमें किस प्रकार के क्वेश्चन देने हैं, किस प्रकार से क्या करना है। फिर तुम्हारा ब्लूप्रिंट फोर्थ वाला। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि हमें कौन से टाइप के क्वेश्चन पहले देने हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चन बाद में देने हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पहले ऑप्शन क्वेश्चन होते हैं, फिर थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, तो ये हमारा ब्लूप्रिंट कहलाता है। फर्स्ट वाले में प्रश्न लिखना, प्रश्न किस प्रकार के हमें लिखने हैं, क्योंकि हमें जो पढ़ा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन या प्रश्न हमें देने हैं, ये होता है फर्स्ट वाला। फिर हम बात करते हैं कि प्रश्न पत्र संपादन का करना, तो हमें ये थर्ड वाला चीज़ लास्ट में आ जाएगा, तो हमारा सही करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरप्रीत अपने विद्यार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है, सबसे उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है, ये क्वेश्चन में दिया गया। ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट है आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, सेकंड है कार स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन ना रखें, थर्ड है घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना, फोर्थ है अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच। तो जैसे कि हरप्रीत
एक टीचर है जो कि बच्चों को सुझाव देना चाहती है कि उसने क्या करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को संभावित अच्छे के लिए वातावरण के लिए, जैसे इन्वायरमेंट के लिए, तो सबसे बेहतर सुझाव क्या होगा। तो सबसे बेहतर जो सुझाव हो जाएगा, जैसा बेस्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ वाला फर्स्ट वाला हो जाएगा। क्योंकि क्यों यह फर्स्ट वाला, क्योंकि आने जाने के लिए सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना, अगर हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है तो प्रत्येक बच्चे प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए अलग से वाहन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उसमें क्या है, प्रत्येक व्यक्ति अपना अलग से वाहन यूज़ करता है या लेकर जाता है, तो उसमें क्या होगा कि उसे फ्यूल भी हम बर्बाद ज़्यादा कर रहे हैं और उसे क्या है पॉल्यूशन भी फैला रहे हैं और ध्वनि पॉल्यूशन भी हो रहा है उससे। मगर क्या, एक ही ट्रांसपोर्ट में काफ़ी लोग बैठ जा रहे हैं तो आराम से फ्यूल भी बच रहा है और ध्वनि पॉल्यूशन भी कम हो रहा है और एनवायरमेंट संरक्षण भी हो रहा है। तो हमारा सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ में। कक्षा फिफ्थ के विद्यार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से कौन सा सबसे बेहतर तरीका होगा। कक्षा फिफ्थ के जो विद्यार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है। ऑप्शन देखते हैं, अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, सेकंड है लिखित पर कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, थर्ड है अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, फोर्थ है गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना। तो देखो यहाँ पे जिज्ञासा जांच करने के लिए, जागृत करने के लिए क्वेश्चन पूछा रहा है, तो बच्चे सबसे पहले जो आंसर देंगे वो यहाँ पे कौन सा दे देंगे, फर्स्ट वाला दे देंगे। वहाँ यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला दे देंगे या कोई दूसरा आंसर दे देंगे तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या खाली हस्तपरक अनुभव प्राप्त करना हो जाएगा। यहाँ पे लिखित वाला, तो यहाँ पे ये रटन प्रणाली की तरफ जा रहा है, ये तो हम नहीं देंगे। परीक्षणों की जांच करना, तो ये भी हमारा नहीं होगा। व्हाट इज द बेस्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या है गहन जांच परक और कल्पना परक की बात कर रहे हैं, प्रश्न पूछना। तो यहाँ पे जब बच्चा गहन जांच परक करेगा, कल्पना परक की बात करेगा, प्रश्न पूछेगा, तो क्या उसमें बच्चे के अंदर जिज्ञासा जाएगी। जब जांच करेगा गहन तरीके से तभी तो उसमें बच्चे क्वेश्चन करने की जिज्ञासा जाएगी, चिंतन करेगा तभी तो क्वेश्चन करेगा। तो हमारा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में। यदि एक महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा, इस प्रकार के प्रश्न पूछने का उद्देश्य है। तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक महीने के लिए अगर बिजली ना हो तो हमारा जीवन कैसा होगा या क्या प्रभावित होगा, प्रश्न पूछने का उद्देश्य पूछा गया इसमें। फर्स्ट है समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाना, सेकेंड है बिजली के स्रोतों के विषय में शिक्षार्थियों का आकलन करना, थर्ड है विद्यार्थियों के कल्पनापरक और चिंतन कौशलों का विकास करना, फोर्थ है विद्यार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन देना। तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर बिजली ना हो एक महीने के लिए हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो क्वेश्चन है जो पूछने का जो उद्देश्य है वो हो जाएगा कल्पनापरक और चिंतन कौशलों की बात कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों के क्या बच्चे उसमें सोचेंगे चिंतन करेंगे अगर बिजली नहीं होगी तो हमारी लाइफ में क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं, प्रभाव होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला, क्योंकि इसमें क्या विद्यार्थियों की कल्पना परक और चिंतन परक कौशल का विकास होगा। इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद एक लाइक तो बनता ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा फिफ्थ की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। कक्षा फिफ्थ में एक पाठ की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में एक सर्वेक्षण लेखन एक भाग दिया गया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, सेकंड है विद्यार्थियों अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें, थर्ड है विद्यार्थियों या विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में विद्यार्थियों की मदद करना, फोर्थ है विद्यार्थियों के व्यवहारिक कौशल में सुधार लाना। तो जो सर्वेक्षण लेखन जो चैप्टर है उसका मुख्य उद्देश्य है, ये पूछा गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अगर हम इस पर बात करें तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सर्वेक्षण की हम बात करें तो अवसर उपलब्ध कराने की यहाँ पे बात हो रही है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में। वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के विषय में विद्यार्थियों के शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। तो वृक्ष संरक्षण की बात की जा रही है यहाँ पे, तो उनकी अवधारणा बनाने के लिए शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन क्या कर रही है, निम्नलिखित क्रियाकलाप करा रही है। तो जैसे कि हम बात करें तो फर्स्ट है प्रत्येक विद्यार्थी को या शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें।
सेकंड है या बी है कि वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, सी है वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना, डी है विद्यार्थियों को या शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना, वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावशाली होगी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है नेगेटिविटी, क्योंकि क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा गया है तो हमें आंसर भी नेगेटिव में देना है। ये तीनों चारों जो कथन जो उद्देश्य दिए गए हैं वो क्या है, तीन उसमें पॉजिटिव में हमें एक नेगेटिव में छांटना है। तो हमारा जो नेगेटिव में जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला, डी वाला। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी को क्या है वृक्ष अपनाने के लिए बात कही जा रही है, तो वृक्ष अपनाएगा तो बच्चा उसकी देखभाल करेगा तो चीज सीखेगा, ये पॉजिटिव में हो जाएगा। अगर हम सेकंड की बात करें तो इसमें बाद विवाद प्रतियोगिता की बात कर रहा है तो इसमें क्या बच्चा इसमें तैयारी करेगा, कुछ कुछ पढ़ेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें सेकंड में पोस्टर और निर्माण संबंधी, तो इससे क्या बच्चे सीखेंगे, ये भी हमारे पॉजिटिव तरफ जा रहा है। अगर हम बात करें इसकी तो सोचा था कटी लकड़ियों का भंडारण दिखाना, तो वांछित उससे प्राप्त अवसर, तो इससे क्या है बच्चों क्या सीखने को, कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इज द डी। तो डी किस में दिया, फोर्थ में, तो ये हमारा सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, और ये हमारा बेस्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इसे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कक्षा फिफ्थ के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शिला प्रकरण के विषय में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के विषय में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है, उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए, इसका मुख्य कारण हो सकता है। तो जैसे अगर बात करें फिफ्थ क्लास में एक टीचर है, तो यदि यह समाप्त हो जाए तो पाठ है पढ़ाने के बाद में शिला प्रकरण टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो शिक्षार्थियों को पढ़ाया गया तो उनकी समझ में इस तरह की हम जांच कर रहे हैं, तो क्या हुआ बड़ी संख्या में क्या है वो पाठ समझ में नहीं आया बच्चों की, तो क्या होगा या उसका कारण क्या हो सकता है, क्वेश्चन में ये चीज पूछी गई है। तो उसका कारण चेक करते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट है उसने प्रकरण पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। सेकेंड है विद्यार्थियों का शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था। थर्ड है यह प्रकरण या टॉपिक पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था। फोर्थ है विद्यार्थियों की यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। तो सबसे ज्यादा बेस्ट आंसर हो जाएगा हमारा, बहुत से बच्चे जाएंगे फोर्थ वाले पे कि रोचक नहीं लगा, ऐसा नहीं है। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पे क्या है उसने प्रकरण पढ़ाने के लिए अच्छी पद्धति का प्रयोग नहीं किया। अगर अच्छी पद्धति का प्रयोग किया जाता ना, अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता तो बच्चों को क्या चैप्टर रोचक लगता, और इसीलिए यहां पे क्या बच्चों को अच्छा ही लगा, और उस पर एक सबसे ज्यादा नेगेटिविटी दी कि बच्चों को वहां पे नहीं सीख पाए, तो ये इसका कारण था। तो आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही समाप्त होता है, आज का सेशन यही समाप्त होता है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। उस तरह थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है, कोई बात नहीं है, हमें सीखने के लिए ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए, वीडियो को ज्यादा इफेक्टिव नहीं पड़ना चाहिए। तो अगले क्लास में मिलते हैं, अगले सेशन मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।